अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अंबर गुड फार्म पर आए हम लोग। और आप लोगों को पता होगा अंबर गुड फार्म के हमारे काफी अच्छे दोस्त अबरार भाई ओन करते हैं ये सेटअप। बहुत ही शुरुआत से इनके पास सानी नस्ल का शौक है और हम बहुत बार आप लोगों को इनके जानवर भी दिखा चुके। तो चलिए आज आने का रीजन जानते हैं इनसे और देखते हैं कितने जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखिए, आइए फार्म पर विजिट कीजिए, अबरार भाई से मिलकर भी आप लोग दो बात करके भी जानवर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, कैसे वालेकुम सलाम शारिक भाई। हो अबरार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। अबरार भाई, बड़ा ब्यूटीफुल लोकेशन है यार आपका फार्म का। कहाँ पर है ये एग्जैक्टली? औरंगाबाद ये में? बीबी के मकबरे के एकदम बिल्कुल बैक साइड में अपना सेटअप है ये। अच्छा, बिल्कुल इको फ्रेंडली है, जानवरों को लगे जितना यहाँ पर घूमने के लिए माशाल्लाह। अबरार भाई बुलाए हो, क्या रीजन है, आज कितने जानवर बता रहे हो लोगों भाई को? 3 मेल अपने को सेल करना है, उसके लिए आपको बुलाया है। 3 मेल देना है? जी भाई ओके ओके, एक एक करके हम डिटेल और प्राइस पूछेंगे इंशाल्लाह आपसे, और एक छोटी सी जिक्र भी करेंगे लोगों के साथ। माशाल्लाह एक बड़ा नायाब बकरा लाए हो आपने, दिखाने की है कुछ ख्वाहिश आपको लोगों की? जी भाई इंशाल्लाह एक बकरा बता देंगे शौक के लिए। सिर्फ अपना अभी ब्रीडिंग कराना है उससे, अभी अपन ब्रीडिंग लिए नहीं उससे। इंशाल्लाह अगर बाद में अगर कोई मांगता है तो बाद में दे देंगे, अभी तो अपना ब्रीडिंग कराना है उससे। बकरा बहुत माशाल्लाह है, वो लास्ट में उसका सब डिटेल बताएंगे, अभी इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह बच्चों की भी लाइन के बारे में बताते चलिए। डिटेल बताइए पहले, ये जो पहले स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं हम लोगों को। भाई ये इम्पोर्ट लाइन की फीमेल और इम्पोर्ट लाइन मेल का बच्चा है ये। अपने पास एक ह्यूमन बोल के मेन था इम्पोर्ट लाइन का, ये अच्छा उसी का बच्चा है। जो अपने को जैसा अपने को कॉन्टेक्ट वाले लोग है ये जानते ही, अपने मेल जो था तो उसका बच्चा है ये। किसी को चाहिए तो वीडियो फोटो बता देना आप जी उसका, भाई इंशाल्लाह क्या बता उम्र देंगे का भाई। बच्चा ये? ये बच्चा भाई 6 साढ़े 6 महीना है मैक्सिमम, उससे ऊपर के नहीं भाई, मैक्सिमम 6.5 महीने का होगा भाई, ये 6 साढ़े 6 महीने छः का? साढ़े छः महीने एज का है ओके, भाई। जैसे बाप मैंने देखा हो इसका, इसके भी बिल्कुल खड़ी हथियार जा रही है। जी भाई इसके बाप के अपने पास चौथा दांत निकालना स्टार्ट किया था जब मैंने सेल किया था, तो कि जब उस टाइम पे 17 इंच सिंग 17 इंचेस सिंग थे भाई उसके। नहीं, सींग के लिए बहुत जी फेमस भाई था आपका बकरा जी खास भाई तौर से। माशाल्लाह, और कान भी एकदम खड़े कान में, और बहुत अच्छा हाइट लेंथ भी अच्छी थी बकरी की। सही है। जी तो ये इस बच्चे का कितना मांग रहे हो आप? भाई ये बच्चा अपने को 26,000 में देना है, 26,000। हाँ छब्बीस अगर हजार इसके आसपास ये अगर कोई मांगता है तो इंशाल्लाह कम ज्यादा करके दे देंगे, ज्यादा नहीं इंशाल्लाह कम अच्छा करके दे अच्छा देंगे, अच्छा थोड़ा बहुत नया कर देंगे। ट्रांसपोर्ट नेगोशिएबल प्राइस बाहर है भिजवा भाई। दोगे? जी भाई इंशाल्लाह उसका चार्जेस अलग से उसका रहेगा? चार्जेस अलग रहेगा, जो भी जैसा अपना सौदा होता है उसके हिसाब से। ट्रांसपोर्ट अगर अपना खरीफ का है तो फिर उसके अंदर इंक्लूड, या फिर ज्यादा है दूर का है तो एक्सक्लूड करके। जी ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये पहले नंबर का बच्चा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए क्वालिटी कंडीशन और सारी चीजें आप लोग सामने। ब्लड लाइन तो इंशाल्लाह आप लोगों को आप पर्सनली भी उसकी फोटो भाई वीडियो इसकी दिखा माँ देंगे। भी बहुत टॉप क्वालिटी की फीमेल है, इम्पोर्ट लाइन में से थी। दोनों मदर फादर जो भी है जी दिखा भाई देंगे आप दोनों लोग। एकदम टॉप क्वालिटी के थे भाई। चलिए, उसके बाद कौन सा बकरा दिखाना है? एक और एक ये सेम एज का बकरा है वो बता देंगे। ठीक अबरार भाई, ये सेम एज का बच्चा जी जैसे भाई आपने सेम बताया। एज का है माशाल्लाह, और सेम क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि वो जी दोनों जी बकरों का चेहरा सींग कान तकरीबन सेम है। बस तकरीबन इतना सेम है कि ये थोड़ा उससे ज्यादा गुलाबी है, और सींग थोड़े से ठीक है, उससे इसके ठीक होंगे, और थोड़े से शायद लंबे हैं, आधा या 1.25 इंच समझो बड़े हैं, बड़े होंगे बस, सही है, बाकी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर के है थिकनेस दोनों। और इसकी और लंबान क्योंकि बड़ी है। दोनों का बाप सेम था भाई, सेम फादर के बच्चे हैं, मदर दोनों की अलग अलग है। ये भी 6 महीने का ना? जी भाई ये भी 6 से 6.5 मैक्सिमम एज है इसकी भाई। ओके ओके, जी फुल गुलाबी में ये भी जी बच्चा। भाई ये उससे ज्यादा ये एकदम ब्रीडिंग क्वालिटी का बकरा है, बच्चा है ये, हाँ, अगर ये तो इसको ब्रीडिंग काफी जल्दी कराना है। जोड़ कर लेगा जी इंशाल्लाह भाई सिंह। इंशाल्लाह वो भी बहुत टॉप क्वालिटी की फीमेल का, और ये भी, लेकिन ये जरा मेरी नजर में थोड़ा थोड़ा अच्छा हायर उससे है, और तो अच्छा है इसका क्या रेंज रहेगा फिर? भाई। ये 28,000 में ट्वेंटी आएंगे एट इससे इंशाल्लाह, पहले का बच्चा कितने का वो बोले थे? 26,000, ये ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एट थाउजेंड थाउजेंड क्योंकि मामूली डिफरेंस है दोनों में, उस हिसाब से अपने रेट भी उस हिसाब से रखे है, और सही दोनों सही, सेम फादर के बच्चे हैं, सेम एज के, सेम एज के मदर बच्चे हैं, अलग अलग है दोनों की। सही है। बाकी माशाल्लाह क्वालिटी तो बहुत अच्छी है बच्चे की, चुन्नी वगैरह पे सेट है एकदम। जी भाई एकदम फुल चारे वारा सब खाते ये हैं। तो आपकी होम ब्रीडी है ना? जी भाई ये अपने पास ही पैदा हुए है दोनों, इम्पोर्ट लाइन फीमेल के बच्चे हैं। जी ये भी इम्पोर्ट लाइन फीमेल का बच्चा है, और ये जी अपने बाहर से इसकी मदर खरीदे थे, लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी की फीमेल है इसकी माँ भी। ओके ओके ओके, 28,000 रुपये है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूड है इसमें। आप लोग आकर विजिट कर के देख सकते हो अंबर गुड फार्म पर। बच्चे की क्वालिटी देखिए, मैं थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ आपको इसके सींग। इसमें जो रेडनेस है बहुत ज्यादा है अभी से, जी भाई अभी देखो ना भाई, आप नीचे से सिंह देखो ना, फोकस जड़ से। करो हाँ कि अभी हाँ सिंह अभी ग्रोथ चालू है भाई, अभी चालू ही इंशाल्लाह है, अभी और महीने 1.5 महीने में तो बच्चे के सिंह और ज्यादा खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेकंड नंबर का बच्चा रहा, इसके बाद जो थर्ड वाला बच्चा है वो दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड वाला बकरा दिखा रहे हैं हम लोग। क्या डिटेल पर ये अबरार भाई? भाई ये 10 महीने का बच्चा है,
दस महीने का जी भाई। बाकी इसकी क्या है ब्लड लाइन भाई? ये भी इम्पोर्ट लाइन के मेल का है, लेकिन ये दूसरे मेल का है, अपना दद्दू बोल के मेल था। अच्छा अच्छा जी, बहुत मतलब बहुत हाइट लेंथ के लिए बहुत मतलब फेमस मेल था अपना। हाइट लेंथ माशाल्लाह बहुत बड़ी हाइट लेंथ का था और बहुत अच्छा हाइट, मतलब भाई एक अंदाज में 35 to 36 उसकी हाइट होंगी भाई वो मेल की। अच्छा अच्छा, और उसी का बेटा है ये। और इसकी माँ अपनी होम ब्रीड में बहुत टॉप क्वालिटी की फीमेल का बच्चा है ये। आपको जो भी जिसको भी लेना है आपको भाई मदर फादर सबका फोटो वीडियो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये 10 महीने का बोले ना? जी भाई 10 महीना एज है इसकी। इसके बाप के जैसे सिंह थे, बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंह थे माशाल्लाह उसके भी। जी भाई इसने भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ निकाला है 10 महीने में। जी भाई और जॉइंट्स वगैरह भी काफी थिक है। जी आप चेहरा वगैरह भी देख सकते हैं कि भाई एकदम इंपोर्ट लाइन के जैसा मेल का जैसा चेहरा सामने से उठे हुआ होता है, देख लिया आप एकदम सेम वैसे ही चेहरा है। बहुत टॉप क्वालिटी का बच्चा है ये। सही। अभी कैसा है बकरिया थोड़ा भी मतलब सीजन है ब्रीडिंग का, तो उसके बाद जैसे थोड़ा हाँ जी भाई कैसा बकरे एकदम मस्ती करते रहते हैं। बकरा 10 महीने का है ना भाई। वैसे इसका कितना डिमांड रख रहे हो आप भाई? इसका 32,000 अपना ऑफर प्राइस है, इंशाल्लाह इसके अंदर निगोशिएट कर देंगे अपन। 32,000 है, इसमें नेगोशिएट कर दोगे? जी भाई। ओके ओके। और एक्सक्लूड ट्रांसपोर्ट रहेगा ना इसमें? मतलब जी भाई मैं मतलब खरीफ का कोई रहा, अगर नजदीक का कोई सिटी में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो इंक्लूड करके भी दे देंगे उसके अंदर। या कहीं जैसा ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया ही है, लेकिन अगर ज्यादा दूर का रहा तो फिर वो सामने वाले का ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा, चार्जेस अलग से लगेगा। अच्छा खासा नेगोशिएट करोगे हल्का फुल्का? थोड़ा बहुत हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत। चलिए जो अभी ये तो 3 बच्चे सेल के लिए, जो नायाब एक नगीना आपने पाले और भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा चीज है, उम्दा चीज है, इंशाल्लाह लोगों को बताते हैं उसके बारे में कुछ। जी भाई इंशाल्लाह। तो अबरार भाई फाइनली ये बकरा दिखा रहे हो आप, चलो लोगों को जिनको नॉलेज नहीं उनको बता दो पहले इसकी खासियत क्या रहेगी और क्यों इतना मतलब इसको दिखाने की ख्वाहिश रखते हो भाई? ये बकरा अभी 13 महीने से 13.5 महीना की एज है इसकी, 13 से 13.5 महीना एज है। और अलग क्रम से अभी बकरी की हाइट 34 इंचेस के करीब है, मतलब 33.5 है एग्जैक्ट देखा जाए तो। अच्छा। और ये एज में ये बकरी की हाइट बोले ना तो बहुत कम एज की बकरी की आती है, मतलब ये इंशाल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट आनेन में से एक रहेगा ही। अपन ये नहीं दावा नहीं कोई नहीं कर सकता कि जी भाई कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट है मतलब कोई बकरा है या जो भी है, ये इंशाल्लाह ये बड़े बकरों में से इंशाल्लाह ये भी एक रहेगा इंशाल्लाह आगे चल के। औरंगाबाद में इसका भी नाम रहेगा इंशाल्लाह, इसका नाम हमने सुल्तान रखे है। सुल्तान नाम रखे हो, ब्लड लाइन कौन सी आ रही है जैसे भाई? ये ब्लड लाइन देखो भाई पर्सनल में किसी को पूछना है तो हम बता सकेंगे। अच्छा आप रिवील नहीं करना? जी भाई रिवील नहीं करना चाहते, क्वालिटी देखो आप जानवर की कैसा है। अपना बोलना ये है कि जानवर की क्वालिटी देखो सही भाई, और ब्लड लाइन जानवर को दिखाई 13-14-15 भाई 15 इंच के ऊपर ही होंगे सिंह मेरे अंदाज से, और एकदम खड़ी और है। भाई वेट भी आप देख लो अभी भाई बकरा ब्रीडिंग करने वाला बकरा मतलब ब्रीडिंग फीमेल में रहने वाला बकरा है भाई, अलग से ऐसा बंदे वाली। और इंशाल्लाह ये बकरे का आपको सेपरेट अलग भाई 13 से 13.5 महीना एज एज इसकी भाई। और अभी पहला दांत उसने तोड़ा है अभी भाई, कल ही तोड़ा इसने पहला दांत। मतलब भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सानियन बकरे देखा हूँ, अच्छी यंग उम्र है इसकी अभी, और फ्रेम व्रेम कर लिया इसने बहुत अच्छा, साइज किया है, सिंग जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे निकाल लिया। तो यही है कि भाई ये आगे चल के नाम करने वाला चीज में से एक चीज रहेंगे इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह। तो इसके बच्चे कब तक मिलेंगे लोगों को? इसके बच्चे भाई इंशाल्लाह अभी अपने ब्रीडिंग कराना स्टार्ट किया उससे, एक दो बच्चे ऑलरेडी अपने पास है लेकिन अभी छोटे है, वो भी 8-15 दिन के है। मतलब कोई बुक कराना चाह रहा है अभी से आपके पास? नहीं अभी नहीं इंशाल्लाह, वो बच्चे बाद में मिलेंगे। और ये इसके फादर का नाम अपन रिवील करना चाहेंगे, इसके फादर का नाम आदित्य था इसका। जी भाई जो जिसको जो जानते हैं वो उनको मालूम है कि आदित्य और जो उसका फादर भी था भाई उसकी भी कम से कम मैंने 4 दांत पे देखा था भाई, 36 इंचेस हाइट थी भाई उसकी, मेरे एक अंदाज मेरा बहुत बड़ा बकरा था भाई। और ये भी इसके फादर की तरह अभी हाँ जी भाई, और इसकी मतलब मदर भी बहुत टॉप लाइन में ब्लड लाइन में से थी और बहुत अच्छी हाइट लाइन में थी, इसकी वजह से बकरा बहुत माशाल्लाह निकल रहा है। और बकरा बेचोगे आप भाई? अभी तो इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब प्राइस देता है तो फिर सोचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो सोचेंगे। ओके 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 भाई, बाकी देखिए चीज सामने है लोगों की। जी भाई और कैसा होता है हमेशा फोन पर मैं बोलता हूँ वीडियो नहीं समझ में आता है, हम कितनी भी अच्छी वीडियो दिखा दे, बड़े बकरे छोटे छोटे बकरे बड़े ऐसा होता ही है, तो नेकेड आई से देखोगे तो बकरा माशाल्लाह काफी अच्छा बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। आप आके देखो, आपको नहीं अगर आपको कुछ किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने हाथ से टेप लेना और गिन के लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे नहीं कि लोग बोलते हैं कि नहीं इतना हाइट नहीं होगी, कैसा कोई हवा बनाने के लिए बोल रहे ये वो। और ये बच्चा अपने पास
डेढ़ महीने का तो जब से है भाई, मतलब उसने चारा भी नहीं पकड़ा था भाई जब से हमारे दोस्त ओमकार है उनके फार्म से अपने ये पकड़ा बाय किए थे। और उसके फादर वो जो भी है आदित्य नाम है उसका, और जो ब्लड लाइन है वो सब कुछ जिसको मालूम है उनको मालूम है। सही है दोस्तों, देखिए बड़ा प्यारा शौक है और काफी पुराना शौक है अबरार भाई का। कितना वक्त हो गया अबरार भाई सानिया में? भाई अपना फार्म तो वैसा देखा है तो 35 इयर्स या उससे पहले पुराना फार्म है, और सानियन स्टार्ट मतलब औरंगाबाद में अपने ही फार्म से हुए है, लेकिन कुछ बीच में कुछ साल हमारे वालिद साहब ने सानियन मतलब शौक कम कर दिए थे, दूसरे ब्लड लाइन में ज्यादा शौक ज्यादा था, जमुनापारी हैदराबादी है, तो उस टाइम पे सानियन अपने थोड़े बेच दिए थे। अलग कर्म से फिर आप मैं जब से आया हूँ मैंने जैसा सानियन को बढ़ाते चल रहा हूँ। हाँ जी भाई, अब सही है। चलिए जो कोई इंटरेस्टेड है दोस्तों, 3 बकरे दिखाए, और अगर कोई सच में इसमें इंटरेस्ट रखता है इस वाले बकरे में, सुल्तान जिसका नाम है, आप लोग अबरार भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, आके भी मिल सकते हो। इंशाल्लाह अबरार भाई लोगों को आपका शौक दिखाएंगे आगे के वीडियो में, जहां पर आपने बहुत उम्दा नस्ल की बकरियां भी जमा कर रखी है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर लोगों को दिखाते हो शौक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।